दिल्ली आईटीआई टर्मिनल दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का दावा, लेकिन एक हादसे ने सारे दावों को धराशायी कर दिया। इस डरावने हादसे की तस्वीरें अब शायद ही लोगों के जहन से निकल पाएंगी। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया। इन सबसे आगे एक तस्वीर जिसे देखते ही हम असहज हो जाते हैं। ये तस्वीर हम बहुत ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं ताकि इस खबर की आप संवेदना समझ पाएं। बता देते हैं कि क्या हुआ। जब एयरपोर्ट की छत गिरी तो कई गाड़ियां मौजूद थीं। एक गाड़ी जिसमें कैब ड्राइवर बैठा था, जब छत गिरी तो सीधे उस गाड़ी के ऊपर गिरी और वो ड्राइवर के सिर पर गिरी। नाम था रमेश कुमार। अब बैक स्टोरी बताते हैं तो शायद आपको दावों वाली सरकार, अधिकारी और जिम्मेदारों पर सवाल करने में आप मजबूर हो जाएंगे और आप खुद सवाल करेंगे कि आखिर इसके जिम्मेदार हैं कौन। 23 साल की रोशनी की शादी अगले साल होने वाली थी, पूरा परिवार तैयारियों में जुटा था। इसी बीच दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट T1 पर शुक्रवार को हादसा हुआ, उसके पूरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में टैक्सी ड्राइवर रमेश कुमार की मौत हो गई। भारी खंभा उनकी टैक्सी पर गिर गया जिससे उनकी मौत हो गई। रमेश अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। परिवार मूल रूप से बुंदेलखंड का रहने वाला है, रोहिणी के विजय विहार में किराए के मकान में अब रहता है। रमेश के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां हैं। T1 पर शुक्रवार सुबह हुए इस हादसे में जान गंवाने वालों में रमेश कुमार पिछले 20 साल से कैब चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। अभी हादसे के बारे में उनकी दोनों बेटियों को पता भी नहीं है। रमेश की मौत के बाद पत्नी और चार बच्चों के सिर से उनका छाया छिन गया। सफदरजंग अस्पताल में रमेश का शव देखने के बाद पत्नी और बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। शव से लिपट कर पूरा परिवार बस रोए जा रहा था। परिवार वालों को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि अब उनके साथ रमेश नहीं है। रमेश पहले अपने परिवार के साथ नहरपुर गांव में रहते थे, लेकिन 6 महीने पहले ही उन्होंने विजय विहार में घर लिया था। सबसे बड़ा बेटा 25 साल का रविंदर है, जबकि छोटा बेटा आशीष लगभग 20 साल का है। इन दोनों से दो छोटी बहनें हैं जिन्होंने अभी तक इस हादसे के बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं चल पाया है। रमेश के पड़ोस में रहने वाले अंकित ने बताया कि कुछ साल पहले ही रमेश ने अपनी कैब खरीद ली थी। इस कैब को वो चलाते थे और कभी कभी उनके बेटे भी ये गाड़ी चलाते थे। परिवार के मुताबिक रमेश रात को ही कैब चलाते थे जबकि उनके बेटे दिन में कैब चलाते थे। शुक्रवार की रात जब ये हादसा हुआ वो कैब से पैसेंजर को ड्रॉप करके वहाँ से निकल ही रहे थे। सुबह का समय बताया गया, उनके पास एक कॉल आया था जब वो घायल थे। इस परिवार को तब इसकी जानकारी मिली कि रमेश घायल हो गए हैं। रविंदर जो उनका बड़ा बेटा है तुरंत अपनी मां को लेकर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंचा। बताया गया कि रमेश घायल हैं लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दोपहर के बाद सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम कर उनका शव उनके परिवार को सौंप दिया गया। रमेश के बेटे रविंदर ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट से फ़ोन आया, बताया कि पिता घायल हो गए हैं। बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है। शव जो है वो सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया है। रविंदर ने बताया कि उनके पिता ने आखिरी बार सुबह 3 बजे अपने छोटे बेटे से बात की थी। रमेश ने बताया था कि वो फरीदाबाद से एक यात्री को आईजीआई एयरपोर्ट छोड़कर लौट रहे थे। रमेश पिछले 4 साल से शाम 6 बजे से सुबह तक टैक्सी चलाते थे। रविंदर ने रोते रोते कहा कि इससे पहले मेरे पिता एक प्राइवेट गाड़ी चलाते थे। जब से उनकी बहन की शादी तय हुई थी तब से वो कई शिफ्ट में टैक्सी चलाने लगे थे। रविंदर ने बताया कि 2 महीने पहले ही उन्होंने सेकेंड हैंड कार खरीदी थी जिसकी किश्तें अभी बाकी हैं। उन्हें चिंता है कि अब ये समझ भी नहीं आ रहा है उनको कि वो कैसे इन किश्तों को भरेंगे। रमेश अपनी बेटी जो 18 साल की भावना है उससे बेहद करीब थे। भावना ने हाल ही में 11वीं की परीक्षा पास की है और रमेश उनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाना चाहते थे। इस हादसे के बाद से सिर्फ एक जान नहीं ली गई बल्कि पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। उनके बेटे ने कहा कि हमारे भविष्य
अब अंधकार में डूबता चला जा रहा है। रविंदर ने गम और आशंका जताते हुए कहा कि अभी तक भावना को इस घटना के बारे में बताया भी नहीं है। ये हादसा दिल्ली में काम करने वाले टैक्सी चालकों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार को ऐसे हादसे को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए। ये सिर्फ उस परिवार का सवाल नहीं, हमारा भी सवाल है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।